हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। यहाँ हमें क्या गिवेन है? हमें गिवेन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। हमें गिवेन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। हमें गिवेन है कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन साइन थीटा, उसको हमने लिख लिया वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पी। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। एलसीएम इसका हो जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। अब अगर आप ध्यान दें तो जो प्रूफ करना है उसमें पी स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए यहां क्या मिल जाएगा हमें, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इस वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा से वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तब हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें अगर आप ध्यान दें तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन आ रहा है राइट साइड में, इसको हमें कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा? कंपोनेंडो है डिविडेंडो। अब रूल क्या होता है पहले वो देख लें हम। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो रूल। अब देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज कोई दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है ए बाय बी और दूसरा फ्रैक्शन है सी बाय डी। अगर ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं, ए बाय बी और सी बाय डी दो फ्रैक्शन, अगर ये कैसे हैं, ये रेशियोज कैसे हैं, अगर इक्वल हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं इसको ए प्लस बी, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर उसको ऐड करना है, देन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट करना है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ओके, मतलब ये जो फ्रैक्शन मिलेंगे हमें, अब जो रेशियो मिलेगा ये रेशियो भी कैसा होगा, इक्वल होगा ये रूल अप्लाई करने के बाद। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए सपोज 5/3, मैंने एक रेशियो लिया 5/3, इसके इक्वल रेशियो ले लिया मैंने 10/6, ये कोई रेशियो है, और जब मैं इस पर रूल अप्लाई करूँगा, ये दोनों रेशियो कैसे हैं अभी इक्वल, देखिए 5/3 ये भी 5/3 होगा कैंसिल करने के बाद, तो जब ये रूल मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये कैसा मिल जाएगा मुझे, ये मिलेगा 5+3 अपॉन 5-3 इज इक्वल टू 10+6 अपॉन 10-6। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5+3 8 अपॉन 5-3 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन कितना 4। ओके, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना 4, तो ये इक्वल आ रहा है। मतलब रेशियो पहले हमें इक्वल दिए होते हैं, जब कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया तो जो नया रेशियो मिल रहा है वो भी कैसा मिल रहा है, इक्वल हो रहा है। ओके, अब इस रूल को हम कहाँ यहाँ अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा अपन वन माइनस कॉस थीटा है, यहाँ इसको पी स्क्वायर अपॉन वन लिख सकते हैं, तो इस रूल को अप्लाई करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन
अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जा रहा है, तो ऊपर वन प्लस वन क्या बच रहा है, टू, या आएगा टू अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया, टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब यहाँ से देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो यहाँ से हमें कॉस थीटा मिल जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, और यही हमें प्रूफ करना था। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम एल एच एस, वो कितना दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये कैसा हो जाएगा, वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा हमें, वन, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर रूट के बाहर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, अंडर रूट के अगर बाहर ले लें तो ये वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आके हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इस वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इस वन को हमने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ मिलेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें आर एच एस मिल गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाय 15 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कोई ये टावर है, सपोज ये टावर मान लेते हैं हम पी क्यू कोई टावर है, ये हमने ले लिया टावर पी क्यू, टावर का टॉप पी है, उसका बेस कितना है, क्यू है। अब कोई एक पॉइंट है बेस पर, सपोज ये यहाँ पर कोई पॉइंट है आर, इस आर पॉइंट से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से कितना ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना मिल रहा है, 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि अगर हम इस पॉइंट से अगर टावर की तरफ कितना 20 मीटर चलते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 15 डिग्री इंक्रीज हो जा रहा है। सपोज हम यहाँ पर 20 मीटर चल के इधर आए पॉइंट एस पर, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, 15 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले कितना था 30 डिग्री, तो अब कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ओके, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें 20 मीटर दिया हुआ है, इसको हम एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स मीटर, और जो टावर की हाइट है उसको हम ले लेते हैं एच मीटर, टावर की हाइट हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। ओके,
सबसे पहले हम इन ट्रायंगल पीएसक्यू में बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल पीएसक्यू। देखिए इन ट्रायंगल पीएसक्यू में अगर मैं टेन 45 डिग्री लेता हूँ, टेन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, यानी पी क्यू अपॉन क्यू एस, ये मिल जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू एस। वो कितना है पी क्यू, वो दिया मुझे एच, और क्यू एस कितना है एक्स है, और टेन 45 डिग्री कितना होता है 1, 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो यहाँ से मुझे मिल गया एच इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू एच। सपोज ये इक्वेशन 1 है, ओके। अब इन ट्रायंगल पी आर क्यू में बात करते हैं, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू में टेन ऑफ 30 डिग्री ले लेते हैं, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर क्यू, पी क्यू अपॉन आर क्यू, इसको लिख सकते हैं हम पी क्यू अपॉन आर क्यू को लिख सकते हैं आर एस प्लस एस क्यू। पी क्यू कितना है एच, आर एस है 20 प्लस एस क्यू कितना है एक्स, ओके। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 एच। अब इस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, ओके। तो यह आएगा 20 प्लस एच इज इक्वल टू √3 एच फ्रॉम 1, एक्स इज इक्वल टू एच, ये हमने लिया है। अब इस h को हम ट्रांसफर उधर कर देते हैं तो यह आएगा 20 इज इक्वल टू, उधर h कॉमन आ जाएगा तो आएगा √3 - 1, ओके। तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा 20 अपॉन √3 - 1। इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देते हैं तो इसके लिए इसको √3 - 1 है तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, √3 + 1, तो ये मिलेगा हमें 20 इंटू √3 + 1 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 - 1 यानी 2। अब ये देखिए इस 2 से ये 20 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 10, ये मिल जाएगा हमें 10 ऑफ √3 + 1। हम चाहें तो इसको भी आंसर दे सकते हैं या फिर √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1.732 प्लस 1, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.732, तो 10 इंटू 2.732, इसको आगे सॉल्व करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27.32 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2, ओके। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें टेन थीटा की वैल्यू निकालना है हमें, तो कहीं ना कहीं हम इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, ओके। ऑन डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड्स को मैं किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ अलग अलग कर लें इसको, तो ये मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस टेन, तो ये हो जाएगा 3 टेन थीटा,
अब sec square theta को हम क्या लिख सकते हैं, sec square theta minus tan square theta क्या होता है, 1 होता है, तो sec square theta को लिख सकते हैं 1 plus tan square theta, identity use कर रहे हैं, तो इसको लिखा हमने 1 plus tan square theta, okay, plus यहाँ से ये क्या है, tan square theta is equal to 3 tan theta, अब एक tan square theta और ये tan square theta कितना हो गया, 2 tan square theta, ये मिल जा रहा हमें 2 tan square theta, माइनस 3 tan theta, इस तरफ शिफ्ट कर लिया उसको, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये tan theta के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan square theta माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 tan theta माइनस tan theta, 2 tan theta माइनस tan theta 3 tan theta होगा, और इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना मिल जाएगा, 2 tan square theta मिलेगा, ये इनका प्रोडक्ट होना चाहिए फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म का, ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0. अब फर्स्ट टू टर्म में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 tan theta कॉमन मिल जा रहा है, यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन मिल जा रहा है, 2 tan theta, तो जब इसमें से हमने 2 tan theta कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, tan theta माइनस 1, ओके, tan theta माइनस 1, प्लस अगले दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, tan theta माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू 0. अब ये tan theta माइनस 1 यहाँ भी और tan theta माइनस 1 यहाँ भी है, तो पूरे से कॉमन ले लिया, tan theta माइनस 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 tan theta और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स tan theta माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 tan theta माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो अगर tan theta माइनस 1 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan theta इज इक्वल टू 1. और अगर ये 2 tan theta माइनस 1 0 के इक्वल है, तो यहाँ से मिलेगा हमें tan theta इज इक्वल टू 1/2. और यही हमें प्रूव करना था. फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ sin theta plus 2 cos theta इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 sin theta माइनस cos theta इज इक्वल टू 2. अब देखिए यहां में गिवन है sin theta plus 2 cos theta, ये 1 के इक्वल गिवन है. पहले तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड. ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी वो समझ में आ जाएगा हमें. स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए कितना दिया है ये, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर. जिसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये ए स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया है, अब थोड़ा अगर आप ध्यान दें, जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेके आना है. अब वो हमें कहाँ, कहीं यहाँ से कहीं मिल सकता है. अगर ये 2 साइन थीटा का स्क्वायर होता, 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर होता, तो कहीं ना कहीं से ये हमें क्या, 2 साइन थीटा के टर्म्स में आ जाता, और ये क्या होता, कॉस थीटा का स्क्वायर होता. तो हम इसको क्या करेंगे, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में, इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. देखिए उससे क्या फ़ायदा होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 1. अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा का हम उस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके, और 4 साइन थीटा कॉस थीटा इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ये. अब ये 1 और ये 1
माइनस हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, तो इस तरफ क्या बच रहा है 4। ओके, अब ध्यान से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, माइनस ये कितना है 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखें तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्म आ जाएगा, इस 4 को 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जा रहा है आइडेंटिटी से, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, यही हमें प्रूफ करना था। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट डिस्टेंस ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर। ओके, तो देखिए हमें ये टावर दिया हुआ है, टावर पी क्यू, ये कोई टावर दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि किसी इस प्लेन पर कोई दो पॉइंट है जो इस टावर के बेस से ए और बी मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये पहला पॉइंट हम ये ले ले रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं आर और इसको हम बोल दे रहे हैं एस, दूसरे पॉइंट को, ये कितना स्मॉल ए और बी मीटर की डिस्टेंस पर है, ये देखिए ये क्यू से है, ये ए मीटर की डिस्टेंस पर है पहला पॉइंट आर, और ये दूसरा पॉइंट है इस क्यू से बी मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये जो दोनों पॉइंट आर और एस हैं इससे टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक एंगल अगर अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, एंगल अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये बोला हुआ है। ठीक है, तो हमें टावर की हाइट प्रूफ करना है, तो हम ये मान लेते हैं ये हाइट कितनी है, एच है, तो हमें ये प्रूफ करना है ये रूट ए बी के इक्वल आएगी। ओके, तब इन राइट ट्रायंगल, अब ये देखिए ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन राइट ट्रायंगल पी आर क्यू, अब देखिए पी आर क्यू में क्या, वही टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, एच अपॉन ए। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, अब पी एस क्यू में देखिए टेन बी, टेन 90 माइनस अल्फा, यहाँ हमने क्या लिया हुआ दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा जो कि अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो वो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा एच अपॉन, ये कितना है बी एस आर एस क्यू, तो ये हमें मिलेगा बी, बी हो गया। और टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, टेन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा, तो ये हो जाएगा कितना, कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, तो यहाँ से देखिए ये इक्वेशन 2 हो गई हमें। ओके, अब क्योंकि हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो हाइट प्रूफ करना है कि रूट ए बी होगी, तो यहाँ से हमें ये टेन अल्फा और कॉट अल्फा इनको एलिमिनेट करना होगा, तो हम इसको क्या करते हैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये देखिए टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से कितना मिल रहा है हमें राइट साइड में, एच अपॉन ए इंटू, यहाँ कितना मिल रहा है, एच अपॉन बी। ठीक, तो ये तो हो गया कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा ये एच इंटू एच, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीटर, और ये हमें प्रूफ करना था कि टावर की हाइट कितनी होगी, रूट ऑफ ए बी मीटर। ओके, सेवंथ क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज
30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि सपोज कोई टावर है, हम ये ले लेते हैं एक टावर पी क्यू, ये टावर हो गया टावर पी क्यू. ओके टावर पी क्यू है. अब प्लेन पर लेवल पर किसी एक पॉइंट है जिससे सन का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, तो मान लो वो पॉइंट यहाँ कहीं है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ से सन का एलिवेशन कितना मिल रहा है हमें 60 डिग्री मिल रहा है, ये आर पॉइंट ले लेते हैं हम, तो सन का एलिवेशन कितना है यहाँ से 60 डिग्री, ये हमें दिया है 60 डिग्री है. इस समय ये टावर है इसकी शैडो कितनी बन रही है आर क्यू, ये शैडो मिल रही है. लेकिन अगर बोल रहा है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री में अगर कन्वर्ट हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है तो सन का एलिवेशन वो अगर 30 डिग्री हो जाता है तो ये शैडो की लेंथ है वो कितना 50 मीटर लॉन्गर हो जा रही, 50 मीटर बड़ी हो जाएगी. तो किसी पोजिशन सपोज यहाँ पर इस पोजिशन पर एस पोजिशन पर यहाँ से जो सन का एलिवेशन है वो कितना मिल रहा है हमें 30 डिग्री मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है हमें 30 डिग्री, तब जो शैडो की लेंथ है वो कितना हो जा रहा है 50 मीटर लॉन्गर हो जा रही, 50 मीटर मतलब हमें ये चीज 50 मीटर दी हुई है एस आर. ओके और हमें टावर की हाइट बताना है तो हम यहाँ पर आर क्यू को क्या ले लेते हैं एक्स मीटर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये कितना है एक्स मीटर है और जो टावर की हाइट है वो हम कितना ले लें एच मीटर, टावर की हाइट हमने ले लिया है एच मीटर और ये हमें फाइंड करना है. ये एंगल कितना होगा टावर प्लेन के साथ में कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री. ओके सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, इस ट्रायंगल में बात करते हैं इन ट्रायंगल पी आर क्यू में. अब देखिए इन ट्रायंगल पी आर क्यू क्या हो जाएगा टेन ऑफ एंगल 60 डिग्री, ये मिलेगा हमें टेन ऑफ एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू है तो ये मिल जाएगा पी क्यू अपॉन बेस कितना है आर क्यू, आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कितना है एच, आर क्यू कितना है एक्स. ओके तो यहाँ से टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो यहाँ से अगर हम एक्स अलग निकाल लें तो कितना मिल जाएगा एच अपॉन रूट थ्री, इसको इक्वेशन वन नाम दे देते हैं. ओके अब इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इसमें ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल पी एस क्यू. अब देखिए पी एस क्यू में क्या हो रहा है टेन ऑफ एंगल 30 डिग्री, टेन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्योंकि एंगल कितना है 30 डिग्री इसके लिए परपेंडिकुलर पी क्यू होगा, बेस कितना हो जाएगा एस क्यू, पी क्यू अपॉन एस क्यू, पी क्यू अपॉन एस क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू और एस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं एस आर प्लस आर क्यू. ओके तो यहाँ से टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी मिलेगी वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू पी क्यू की जगह क्या रखेंगे हम एच, एस आर कितना है 50 और आर क्यू कितना है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से मिलेगा 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच इंटू रूट थ्री, एक्स की वैल्यू हम फर्स्ट से रख देते हैं एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री, यहाँ लिखेंगे हम 50 प्लस एक्स की जगह एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एच इंटू रूट थ्री. अब देखिए यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा रूट थ्री, ये कितना हो जाएगा 50 रूट थ्री, ये हो गया 50 रूट थ्री प्लस एच, जो एलसीएम वाला रूट थ्री वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3h. ओके अब h को अगर हम यहाँ ट्रांसफ़र करें तो कितना मिलेगा हमें 2h, 3h माइनस h कितना आ जाएगा 2h, तो ये आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 50 रूट थ्री. अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो जब आप 2 से डिवाइड करें तो h इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 25 रूट थ्री मीटर और यही हमारा आंसर होगा, टावर की हाइट है वो कितना हो जाएगा 25 रूट थ्री मीटर. अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट एच एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एक्स. ओके तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक टावर गिवन है अपन को,
ये हम मान लेते हैं पी क्यू टावर है और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है पी आर, जिसकी हमें हाइट एच गिवेन है, फ्लैग स्टाफ की हाइट एच गिवेन है, ये हमें दिया हुआ है ओके। और वो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उस इस पर कोई पॉइंट है, इसके इस प्लेन पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इसको एस है ना। इस पॉइंट से जो फ्लैग स्टाफ है उसके बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा एंड बीटा दिया है, तो ये एंगल हो गया अल्फा हमारे लिए और ये हो जाएगा बीटा, ये हमें गिवेन है और हमसे उस टावर की हाइट पूछी हुई, पी क्यू की हाइट पूछ रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं पी क्यू की हाइट, इसको हम एक्स बोल देते हैं ठीक है, और एस क्यू इसको हम वाई ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए क्योंकि ये टावर है ये किसी प्लेन पर, तो ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस क्यू, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि हमें रिलेशन किस में देखना है, ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस में देखना है, तो हम क्या लेना पड़ेगा टेन, और जो हमें प्रूफ करना है उसमें भी हमें टेन लेके आना है ओके। तो देखिए इन ट्रायंगल पी एस क्यू टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से आ जाएगा एक्स अपॉन वाई ओके। यहां से आप देखिए हमें क्या करना है, फाइनली फाइंड क्या करना है, एक्स करना है, ये वाई यहां कहीं नहीं आ रहा है ना, इस वाले जो हमें प्रूफ करना है उसमें वाई वेक्टर में कहीं नहीं आ रहा है, हमने एज्यूम किया हुआ था, हमें वाई को एलिमिनेट करना होगा, तो मैं यहां से वाई को अलग कर लेता हूं पहले ही, तो ये वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन टेन अल्फा, ये इक्वेशन हमारी वन हो गई ओके। सिमिलरली इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल आर एस क्यू इसमें देखिए टेन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू ये एच प्लस एक्स, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो पूरा परपेंडिकुलर कितना हो गया एच प्लस एक्स, एच प्लस एक्स अपॉन वाई, यहाँ से भी हम इसको y को अलग कर लें, तो देखिए y इज इक्वल टू मिल जाएगा h प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा ओके। ये इक्वेशन टू हो गई, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अब ये दोनों y इज इक्वल टू हैं, इसमें से y, इसमें y, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं है ना, ये y इक्वल टू ये मिल रहा है, यहाँ पर y इज इक्वल टू ये, तो दोनों ही क्या, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा ये x अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू यहां मिलेगा हमें h प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा, फाइनली हमें इसमें से क्या अलग करना है x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x टेन बीटा इज इक्वल टू h प्लस एक्स टेन अल्फा, तो ये आ जाएगा x टेन बीटा इज इक्वल टू h टेन अल्फा प्लस एक्स टेन अल्फा ओके। ये देखिए इस वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं शिफ्ट करके, एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, ये आ गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा ओके। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हाइट ऑफ टावर आ गया एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा।